कैसे मालूम पड़ेगा कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल है? इसकी तीन कंडीशन होती हैं, याद रखिएगा। पहली कंडीशन, अगर मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है नॉन सिमिलर एटम्स के बीच में तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसका मतलब, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हो गया डबल या ट्रिपल, नॉन सिमिलर मतलब ऐसे एटम जो अलग हो। यानी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दो एटम्स के बीच और दोनों एटम अलग होने चाहिए तो वो स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। CO2 में देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए SO2, S और O के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब SO2 भी क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। फिर एग्जाम्पल में नेक्स्ट है SO3, S और O के बीच में अगेन डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमारी पहली कंडीशन हो गई मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन नॉन सिमिलर एटम्स, वो न्यूट्रल स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होगी। सेकेंड कंडीशन है, अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो स्पीशीज भले ही न्यूट्रल हो क्या होगी इलेक्ट्रोफाइल। अब ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब है मोस्ट स्टेबल, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं है और दैट स्पीशीज इज लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट, और अगर दैट स्पीशीज इज लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब वो स्पीशीज क्या हो गई इलेक्ट्रोफाइल। बड़ा सिंपल है। एग्जाम्पल देखते हैं AlCl3, आप जब AlCl3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखोगे Al के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और AlCl3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन Al के पास हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन Cl वाले जो उसने बॉन्ड बना के लिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए Al के पास? 6, और 6 इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 8, इसका मतलब AlCl3 अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो इसका मतलब इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन और इट विल लव इलेक्ट्रॉन, इसीलिए AlCl3 कौन सी स्पीशीज हो गई इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट आते हैं BeCl2 में, आप देख लीजिए बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के और 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्लोरीन से लिए बॉन्डिंग बनाते वक्त, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसका मतलब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और वो क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो गया। अब थर्ड कंडीशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है और सेंट्रल एटम के पास क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो याद रखिएगा वो स्पीशीज अपने आप ही इलेक्ट्रोफाइल हो जाए।